हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं और इसके सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर आप यहाँ वीडियो को देखे रहेंगे और इसमें प्रश्नों को पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में दिया है राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति ही शासन का अध्यक्ष और राष्ट्र का अध्यक्ष दोनों का अध्यक्ष होता है। वह अपने मंत्रियों को चुनने के संबंध में स्वतंत्र होता है। इस व्यवस्था में दोस्तों व्यवस्थापिका का सदस्य मंत्री का पद धारण नहीं कर सकता है, इसलिए सामूहिक उत्तरदायित्व वाली भावना इसमें नहीं पाई जाती है। उम्मीद है कि यह पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अध्यक्षीय शासन प्रणाली के विषय में कौन सा सत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। दूसरा है, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका हटा नहीं सकती है। तीसरा है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के निचले सदन को भंग कर सकता है। और चौथा है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। अमेरिकी संविधान में दोस्तों अमेरिकी कांग्रेस को महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार होता है। अमेरिका में महाभियोग की प्रक्रिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा शुरू किया जाता है और सीनेट में राष्ट्रपति पर मुकदमा चलाया जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का निम्न सदन है। अभी तक अमेरिका के तीन राष्ट्रपतियों एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने प्रक्रिया शुरू किया था, किंतु सीनेट ने सभी को निर्दोष घोषित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, अमेरिका के राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका महाभियोग की प्रक्रिया से हटा सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? इसमें दिया है मंत्री व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं और मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों शक्ति पृथककरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अतः व्यवस्थापिका का सदस्य मंत्री पद धारण नहीं कर सकता है और मंत्री व्यवस्थापिका का सदस्य नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति मंत्रियों को चुनने के संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। वह अपने हिसाब से मंत्री रख सकता है किसी को भी, इसलिए मंत्री लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह यह कहता है। यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह इनमें से किसमें है? ऑप्शन में दिया है भारत में है, इंग्लैंड में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है या चीन में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्ति, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार प्राप्त है। अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिका के एक पूर्व न्यायाधीश जिनका नाम ह्यूज था, ह्यूज ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कहा था कि हम एक संविधान के अधीन रहते हैं लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में कहे या कहता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे।
फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है पहला 1919 के अधिनियम द्वारा, दूसरा है 1935 के अधिनियम द्वारा, तीसरा है भारत के संविधान द्वारा, और चौथा है 1971 के संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है, इसलिए भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची एक का मिलान सूची दो से कराना है। सूची एक में निर्वाचन व्यवस्था दिया है और सूची दो में देश का नाम दिया है। इसमें पहला है दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह किस देश की निर्वाचन व्यवस्था है? यह भारत की निर्वाचन व्यवस्था है दोस्तों। फिर अगला है टू राउंड ऑफ सिस्टम, यह किस देश की निर्वाचन व्यवस्था है? यह मिस्र की निर्वाचन व्यवस्था है दोस्तों। फिर अगला है लिस्ट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम किस देश की निर्वाचन व्यवस्था है? ब्राज़ील की है दोस्तों। फिर अगला है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यह कहाँ की निर्वाचन व्यवस्था है? तो यह आयरलैंड की है दोस्तों। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों। आप इसका सम्मेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। चलते हैं आगे, फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य के विकास संबंधी निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में लगाइए। इसमें दिया है रोमन साम्राज्य, प्राच्य साम्राज्य, ग्रीक नगर राज्य, सामंती राज्य और राष्ट्र राज्य। देखिए इसमें सबसे पहले रहेगा प्राच्य साम्राज्य, इसके बाद ग्रीक नगर राज्य, उसके बाद रोमन साम्राज्य, इसके बाद सामंती राज्य और अंत में राष्ट्र राज्य। तो दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा और पांचवा, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। इसका सीक्वेंस इस प्रकार से रहेगा, सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य और सबसे अंत में राष्ट्र राज्य। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य क्या है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है एक मानवकृत संस्था है, संप्रभु है, लोकतांत्रिक है या निरंकुश है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक मानवकृत संस्था है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत दोस्तों जो राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, इससे उदारवादी मान्यताओं की पुष्टि होती है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत ने दोस्तों शासक के दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत किया कि शासक की जो सत्ता है उसका आधार जो शासित होते हैं उनकी सहमति है। इस प्रकार सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु यह है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, यानी कि सभी लोगों ने इसको मिलकर के बनाया है। हाफ्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं, प्रमुख समर्थक हैं, तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे, फिर अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? ऑप्शन में दिया है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत और दैवी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या है? शक्ति सिद्धांत इसका सही उत्तर है दोस्तों। राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की यह मान्यता है दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। ओपेनहाइमर और कुछ लोग इसके समर्थक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वर्ग के विचारकों ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया? वाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन में दिया है मार्क्स और मिल ने, मार्क्स और अरस्तू ने, हीगल और मार्क्स ने या मार्क्स और लास्की ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, हीगल और
मार्क्स ने। हेगल और कार्ल मार्क्स ने दोस्तों अपने दर्शन में वाद प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है? परस्पर विरोधी विचारों और तर्कों के टकराव से सत्ता की प्राप्ति करना द्वंद्वात्मक पद्धति है। मार्क्स और हेगल दोनों लोगों ने तीन चरण वाद प्रतिवाद और संवाद बताए हैं और इस तरह सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया तीन अवस्थाओं में संपन्न होती है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार विरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिया है मोरारजी देसाई, अशोक मेहता, जे बी कृपलानी और के संथानम। तो इसका सही उत्तर क्या है? के संथानम इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 1964 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, भ्रष्टाचार विरोधक समिति। इसके अध्यक्ष के संथानम थे। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था या राज्य कौन है? ऑप्शन में दिया है ओडिशा या ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार। तो इसका सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। लोकायुक्त क्या है? भारत के राज्यों के द्वारा स्थापित भ्रष्टाचार विरोधी एक संस्था है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, जयप्रकाश नारायण और जे बी कृपलानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। फिर अगला क्वेश्चन है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? तो आप जानते ही हैं न्याय से संबंधित है प्लेटो की रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, न्याय की व्याख्या और न्याय की प्राप्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, हाफ्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन किस वर्ष लिखी थी? ऑप्शन में दिया है 1650, 1651, 1652 और 1653। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1651। हाफ्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन 1651 में लिखी थी, प्रकाशित हुआ था यह। इसी में इसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? ऑप्शन में दिया है रूसो, हाब्स, लॉक और मार्क्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, रूसो। यह कथन रूसो का है। रूसो ने दोस्तों सामान्य इच्छा के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। सामान्य इच्छा के सिद्धांत का मुख्य लक्षण लोक कल्याण है। सामान्य इच्छा व्यक्तियों के आदर्श इच्छाओं का योग है और व्यक्तियों की ये आदर्श इच्छाएं जन कल्याण से प्रेरित होती हैं। इसीलिए रूसो ने कहा है कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण की सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, बेंथम, हाब्स और बर्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, हाब्स। हाब्स कहता है दोस्तों कि राज्य की शक्ति और कानून की सत्ता की सार्थकता यही है कि वह व्यक्तियों के लिए सुरक्षा मुहैया कराएं। व्यक्ति सत्ता के शरण में इसलिए आता है कि उसको अनेक तरह के लाभ की उम्मीद होती है। थॉमस हाब्स ने दोस्तों निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, लेकिन आत्मरक्षा के मामलों में व्यक्ति को छूट दी है। आत्मरक्षा के अधिकार को उसने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे व्यक्ति के जीवन पर खतरा हो तो व्यक्ति राज्य के उस कानून को और राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, हाब्स ने आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन में दिया है
1780, 1824, 1789 और 1817 है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1789, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। जर्मी बेंथम की पुस्तक दोस्तों एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन का प्रकाशन 1789 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन में दिया है जुलाई 1946 में, दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में या अगस्त 1947 में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के लिए जो चुनाव हुआ था जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत दोस्तों भारत की प्रस्तावित संविधान सभा के लिए 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 2 दिसंबर 1946 को दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का सृजन किया गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन रहेगा, यहाँ पर संविधान लिखा है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन में दिया है आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जे बी कृपलानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों आचार्य विनोबा भावे। गांधी जी के द्वारा दोस्तों 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूँगा? ऑप्शन में दिया है बी आर अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और महात्मा फूले। तो इसका सही उत्तर क्या है? लोकमान्य तिलक इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यह कथन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। इसमें दिया है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सरकारिया आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले रहेगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में दोस्तों, 1953। इसके बाद रहेगा दोस्तों सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में। उसके बाद रहेगा दोस्तों संविधान के संशोधन के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 2000 में हुआ था, सन 2000 में। इसके बाद रहेगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब हुआ था? 2005 में हुआ था। तो देखिए तीसरा, दूसरा, चौथा और पहला, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन में दिया है अरविंद, यानी कि अरविंद घोष, यमयन राव, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, महात्मा गांधी। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया था। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के माध्यम से दोस्तों गांधी जी ने बताया है कि सामाजिक व्यवस्था को यदि प्रेम और विश्वास के आधार पर बढ़ाया जाए तो संभव है कि पूंजीपति को यह समझ में आ जाए कि उनकी अधिक संपत्ति वास्तव में उनके पास समाज की एक धरोहर के रूप में है, एक अमानत है जिसे उन्होंने इसलिए संजोया है कि वह जनहित व कल्याण के कार्यों में लग सके, ना कि अपने हित के लिए यूज करें। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है। डी वाला
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन में दिया है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, ये सभी। चाणक्य और विष्णुगुप्त दोस्तों कौटिल्य के उपनाम हैं। फिर अगला है, प्राचीन भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? ऑप्शन में दिया है वेद व्यास को, शुक्र को, मनु को या कौटिल्य को। तो इसका सही उत्तर क्या है? कौटिल्य इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार से दोस्तों कौटिल्य ने भारत का एकीकरण करके भारत को एक अखिल साम्राज्य के रूप में चंद्रगुप्त के द्वारा स्थापित करवाया था, उसी प्रकार से मैकियावेली ने इटली में किया था, इसलिए कौटिल्य को प्राचीन भारत का मैकियावेली कहते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, गांधी ने अपने विचारों को निम्नलिखित में से किस आधार पर प्रकट किया? ऑप्शन में दिया है पंथ, वाद, रूढ़ी और प्रयोग। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रयोग इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी ने दोस्तों अपने विचारों को प्रयोग के आधार पर प्रकट किया है। इसकी पुष्टि उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग क्या छोड़ते हैं? ऑप्शन में दिया है अपने समस्त अधिकार, अपना कोई भी अधिकार नहीं, केवल संपत्ति का अधिकार या प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार लोगों ने छोड़ दिया था लाक के समझौते के अंतर्गत, और इसको छोड़ करके एक सरकार गठित की थी और यह काम सरकार को दे दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन था? ऑप्शन में दिया है मैकियावेली, बोदा, लाक और हाब्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? हाब्स इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक हाब्स था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? ऑप्शन में दिया है हाब्स, लाक, रूसो या ए सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? लाक इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। जॉन लाक ने संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा किया है। जॉन लाक का राज्य दोस्तों निरंकुश नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। प्रथम सीमा तो यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है, और दूसरा यह है कि राज्य को यह सत्ता एक ट्रस्ट के रूप में प्राप्त हुआ है। उसका उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा करना होता है और कानून के हिसाब से उसको काम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प है? ऑप्शन में दिया है मैकियावेली, हाब्स, लाक और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, हाब्स। थॉमस हाब्स दोस्तों 16वीं शताब्दी का एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक है। सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए इसने मानव स्वभाव के बारे में कहा है कि मानव का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुवत और अल्प था। थॉमस हाब्स की प्रसिद्ध रचना दोस्तों लेवियाथन है, आप जानते भी होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, फेबियन समाजवाद का विश्वास है कि समाजवाद कैसे आएगा? समाजवाद धीमे धीमे आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। फेबियन समाजवाद के अनुसार समाजवाद धीरे धीरे आएगा, क्रांति के द्वारा नहीं आएगा। क्रांति का उसने विरोध किया है फेबियन समाजवाद ने। फिर अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया गया है? तो सिंडिकेलिस्ट समाजवाद में दोस्तों श्रमिक संघ और व्यापक हड़ताल पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। सिंडिकेलिस्ट दोस्तों श्रमिक संघवाद का अंग्रेजी है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, इनमें से किस विचार को प्रायः व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं? ऑप्शन में दिया है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स का
क्रांतिकारी हिंसा का सिद्धांत, डार्विन का अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत और ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से कौन सा विचार व्यक्तिवादी विचार के अनुकूल पाते हैं? डार्विन के अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही उत्तर है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचारक अपने अनुकूल पाते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, जिसके अंदर जितनी क्षमता होगी वह उतना आगे बढ़ जाएगा और जिसके अंदर क्षमता नहीं होगी वह खप मर जाएगा। यही है डार्विन की अनुकूलतम की अतिजीविता का सिद्धांत, डार्विन के उत्तर जीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को किसने प्रोत्साहित किया था? ऑप्शन में दिया है जेरेमी बेंथम, जॉन लॉक, जे एस मिल और एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? जेरेमी बेंथम इसका सही उत्तर है दोस्तों। बेंथम ने एक व्यक्ति एक वोट का समर्थन किया था और मिल ने शिक्षित और संपत्तिशाली लोगों के लिए बहुल मतदान और अन्य के लिए एक मतदान का समर्थन किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह अधिवेशन आयोजित हुआ था कहाँ? ऑप्शन में दिया है बेलगांव में, मद्रास में, लाहौर में या कराची में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, बेलगांव। 1924 में दोस्तों कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। जेल से निकलने के बाद गांधी जी ने यहाँ कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह टिप्पणी की थी कि फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ कम नहीं था? ऑप्शन में दिया है मोहम्मद अली, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। यह कथन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन में दिया है मिल, मार्क्स, लेनिन और स्टालिन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, मार्क्स। आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों राज्य के आधार और अधिरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके तहत अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आता है, वही है आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसकी व्याख्या उसने अपनी पुस्तक द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, दिए गए अधिनियमों में से किसने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया था? तो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था, किसको चुना गया था इनमें से बताना है? ऑप्शन में दिया है नवाब समीमुल्लाह, नवाब हबीबुल्लाह, आगा खां या सैयद अहमद खां। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है दोस्तों, आगा खां। वर्ष 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडियन मुस्लिम लीग दोनों एक ही है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुआ था। मुस्लिम लीग के संस्थापकों में दोस्तों नवाब समीमुल्लाह, मोहसिन इल मुल्क और आगा खां शामिल थे। 1908 में आगा खां इसके अस्थाई रूप से अध्यक्ष बनाए गए, तो आप इसको याद रखेंगे। मुस्लिम लीग ने दोस्तों 1913 में औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी और अगस्त 1947 को पृथक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, रूसों की सामान्य इच्छा क्या है? इसमें दिया है बहुसंख्यक की इच्छा, सभी की इच्छा, अल्पसंख्यक की इच्छा या सभी की
वास्तविक इच्छा का योग। तो इसका सही उत्तर क्या है? सभी की वास्तविक इच्छा का योग है दोस्तों, रूसो की समान इच्छा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? ऑप्शन में दिया है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, रूसो। रूसो के अनुसार दोस्तों, मानव स्वयं के हित को सामाजिक हित का अभिन्न अंग मानता है और संपूर्ण समाज के हित को दृष्टि में रखते हुए विचार करता है। इस इच्छा में व्यक्तिगत स्वार्थ का सामाजिक हित के साथ सामंजस्य और व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता रहती है। समान इच्छा मानव की इच्छा का वह उत्कृष्ट भाग है जो संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक रूप से हितकर होता है। अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए रूसो ने कहा है दोस्तों कि मनुष्य भोला भाला जंगली है जो प्रारंभिक सरलता और सुखपूर्ण रीति से जीवन व्यतीत करता था। वह स्वतंत्र, आत्मसंतुष्ट, संतुष्ट, स्वस्थ और निर्भय था, लेकिन निजी संपत्ति के उदय ने उसकी स्वतंत्रता को ख़त्म कर दिया। तो आप इसको याद रखेंगे, यह रूसो का कथन है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? ऑप्शन में दिया है कार्ल मार्क्स, माओ, लेनिन और ग्राम्सी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, कार्ल मार्क्स। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों अपनी रचना द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में प्रकाशित हुआ था, इसमें इसने कहा है कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी की है, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का स्वशासन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन में दिया है स्थानीय स्वशासन, देसी लोगों की सरकार, सामंतों की सरकार या शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना गांधी जी के स्वशासन से अभिप्राय है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित है? ऑप्शन में दिया है 352, 368, 370 और 382। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, 368। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है, यह सब इसमें बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किन दो भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? ऑप्शन में दिया है सिंधी और संस्कृत, सिंधी और अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू, तमिल और कश्मीरी। तो इसका सही उत्तर क्या है? सिंधी और संस्कृत इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। सिंधी और संस्कृत भाषाएँ दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं, लेकिन किसी राज्य ने संयुक्त रूप से राजभाषा के रूप में इन भाषाओं को मान्यता नहीं दी है, जबकि संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है, लेकिन ऑप्शन में डबल करके दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह कौन था? ऑप्शन में दिया है लोकतंत्र, गणतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र या कल्याणकारी राज्य। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। जॉन लॉक ने दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला रखी थी। अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से दोस्तों जॉन लॉक ने दो तरह के समझौते करवाए थे। पहला समझौता जनता के मध्य होता है और दूसरा समझौता जनता और शासक के मध्य होता है। इसमें दोस्तों दूसरा समझौता पहले समझौते के अधीन है, यानी कि यदि शासक जनता की सुरक्षा करने में असफल है तो जनता शासक के प्रति विद्रोह कर सकती है। इस प्रकार जॉन लॉक ने दोस्तों संवैधानिक राजतंत्र की आधारशिला रखी थी, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा मनुष्य प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है?
ऑप्शन में दिया है मार्क्स, रूसो, लॉक और हीगल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है दोस्तों, रूसो। यह कथन रूसो का है। अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत दोस्तों रूसो ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी लोग एक समान थे, लेकिन संपत्ति के उदय के कारण असमानता हुई और लोगों की स्वतंत्रता खत्म हो गई। फिर अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने व्यक्त किया कि सरकारें एक निश्चित क्रम के अनुसार परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन में दिया है प्लेटो, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू और हरमन फाइनर। तो इसका सही उत्तर क्या है? अरस्तु इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु के अनुसार दोस्तों यदि राज्य की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसको राजतंत्र कहा जाएगा। अरस्तु ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कहा है कि यह जरूरी नहीं है कि राजतंत्र हमेशा बना रहे। यदि शासन कुछ व्यक्तियों के हाथों में आ जाता है तो उसको कुलीन तंत्र कहते हैं, और जब कुलीन तंत्र विकृत हो जाता है तो वह धनिक तंत्र कहलाता है। इस प्रकार से सरकारें एक निश्चित क्रम में परिवर्तित होती रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यह मान्यता है अरस्तु की। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए? ऑप्शन में दिया है थोरो की कृतियों से, टॉलस्टॉय की कृतियों से, रस्किन की कृतियों से, या इनमें से सभी की कृतियों से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, इनमें से सभी की कृतियों से। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बुक में दोस्तों जब आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो थोरो, टॉलस्टॉय और रस्किन से किस तरह से प्रभावित हुए थे आप उसको जान पाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र हैं जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन में दिया है जे एस मिल, टी एच ग्रीन, लॉक और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? रूसो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। रूसो का मानना है कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? ऑप्शन में दिया है रूसो, जे एस मिल, लॉक और बेंथम। तो इसका सही उत्तर क्या है? रूसो इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू गांधी जी के स्वदेशी की सीमा में नहीं आता है? ऑप्शन में दिया है आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक या सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? धार्मिक नहीं आता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही उत्तर है, गांधी जी के स्वदेशी में। गांधी जी का स्वदेशी वाला विचार दोस्तों मूलतः आर्थिक और राजनीतिक पहलू धारण करता है, इसमें धार्मिक मामला नहीं आता है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का गणराज्य होगा? ऑप्शन में दिया है तिलक, एनी बेसेंट, यमेन राय और गांधी जी। तो इसका सही उत्तर क्या है? गांधी जी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक गणराज्य होगा। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते थे और गाँव के विकास पर उन्होंने जोर दिया है। फिर अगला है, कौन सा दबाव समूह नहीं है? ऑप्शन में दिया है नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन और लोक जनशक्ति पार्टी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन यह कोई दबाव समूह नहीं है, बाकी सब दबाव समूह हैं, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, भारत के संविधान में भाषा प्रावधानों का समावेश डैश 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 के समझौते का परिणाम है? ऑप्शन में दिया है मुंशी आयंगकर फार्मूला, गुजराल फार्मूला, सरकारिया फार्मूला या आयंगर फार्मूला। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर है दोस्तों, मुंशी आयंगर फार्मूला। भारत के संविधान के भाषा प्रावधानों का समावेश दोस्तों मुंशी आयंगर फार्मूले के समझौते का परिणाम है। इसके द्वारा दोस्तों सहमति बनी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किए गए एक मध्यम मार्गी सूत्र के अधीन देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है और भारतीय अंकों का रूप अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ऐसा कहा गया है।
तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, यह किसने कहा अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। ऑप्शन में दिया है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और बाबा आम्टे। तो इसका सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, ऐसा मानना है गांधी जी का। फिर अगला है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान स्वराज से पहले है, निम्नांकित में से अहिंसा की एक अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। तो क्या सही होगा देखकर बताइए। देखिए, संघर्ष का सामना करना और संबद्ध खतरे का जोखिम उठाना, यह है गांधी जी की अहिंसा का एक अनिवार्य शर्त। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58, राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा सीमित किया गया था? तो 52वां संविधान संशोधन था, आप जानते भी होंगे, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, दल बदल की समस्या को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म किया गया था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? इसमें दिया है वैचारिक एकता, संगठन, अवैधानिक साधनों का प्रयोग और लोकतंत्र में विश्वास। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अवैधानिक साधनों का प्रयोग दोस्तों राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है। राजनीतिक दल की विशेषता क्या है? संगठन है, लोकतंत्र में विश्वास, वैचारिक एकता और शासन पर प्रभुत्व की इच्छा, ये सब राजनीतिक दल की विशेषता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय की किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नांकित में से संघीय शासन की क्या विशेषता है? इसमें दिया है अलिखित संविधान, इकहरी नागरिकता, एक सदनी विधायिका और केंद्र तथा इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो संघीय शासन की विशेषता क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान के सर्वोच्चता और शक्तियों का विभाजन, ये सब संघीय शासन की विशेषता है। फिर अगला है, द्विसदनात्मक व्यवस्था वाला देश इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया है भारत, चीन, पुर्तगाल और तुर्की। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। द्विसदनात्मक मतलब लोकसभा और राज्यसभा जहाँ पर हो, तो भारत में है, और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, वहाँ पर एक ही पार्टी का प्रभुत्व है। पुर्तगाल और तुर्की में भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्था को लागू किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।